गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई फ्यूजन, जिसमें आपका स्वागत है। और मैं फिर से आपके लिए एक नया डिश लेके आया हूँ। इसमें फ्रेंच बीन विथ मटन अखनी पुलाव लेके आया हूँ। ये नया रेसिपी है। इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। चलिए शुरू करते। सबसे पहले यहाँ से इसमें आधा किलो आपको मटन लेना है, और एक तेज पत्ता लेना है, और थोड़ा सा अदरक कटिंग करना है, जितना दिख रहा है आपके सामने कटिंग कर लेना है, और ये लहसुन 3 कली कटिंग कर लेना है, और छोटा सा दालचीनी, और 4 लौंग इलायची, 4 दाना लौंग है, सॉरी इलायची नहीं है, लौंग है। इसको इसमें रख के ना उबालना पड़ेगा, कम से कम 15-20 मिनट इसको उबाल लेंगे, ताकि एकदम टेस्ट इसका चेंज हो जाए, अच्छा लगे और गोश्त का वास ना ऐसा है। और इसमें 150 ग्राम दही है, और ये 2 तेज़पत्ता इसमें है, ये मसाले में तड़का मारने के लिए है, और 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जीरा रहेगा, 4 छोटी इलायची रहेगा, और ये थोड़ा सा दालचीनी रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा फूल रहेगा ये वाला, और बड़ी इलायची 1, और 8 से 10 दाना ये काली मिर्च रहेगा, और 5 दाना ये रहेगा लौंग रहेगा, और 6 लाल मिर्ची रहेगा इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 पीस कांदा है मीडियम साइज का, और कड़ी पत्ता इसमें रहेगा जितना आप देख रहे हैं, इसमें 7 से 8 9 10 पीस रहेगा। अगर नहीं है आपके पास तो भी चलेगा, अगर है तो इसमें डाल सकते हैं, टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। और आप देख सकते हैं इसमें ये फ्रेंच बीन है, इसमें थोड़ा सा ले लेते करीब 100 ग्राम रहेगा, और 100 ग्राम ये रहेगा छिला साफ सुथरा कटा हुआ गाजर रहेगा, ये डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा कोथमीर रहेगा 2 पेड़ रहेगा करके, 4 हरी मिर्ची रहेगा, और 8 से 10 लहसुन रहेगा, 8-10 से अगर बड़ा साइज है तो, नहीं तो इसमें अगर ये छोटा साइज ऐसा रहेगा 15 पीस होएगा करीब, बारीक बारीक कली है, और ये 5 ग्राम अदरक रहेगा, और ये अलग से रहेगा इतना, 2 बड़े कटे हुए कांदे, और ये 15 से 20 ग्राम होगा ये रहेगा खोपरा कटा हुआ छोटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इतना आइटम जितना दिख रहा है आपको, ये आइटम इसको पीस लेना है, मिक्सर में डाल के इसको पीस लेना है, फिर जाके आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। मैंने ये आधा किलो चावल ले लिया है, और इसको मैं पानी में 10 से 15 मिनट इसको भिगोना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं भिगोएंगे तो ये चिपकेगा चावल और ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको भिगो लेना है ताकि चावल चिपके ना आपस में। और अब मैं ये गैस स्टार्ट कर लिया हूँ, और गैस पर कुकर रख देता हूँ। कुकर रखने के बाद इसमें ये गोश्त को उबाल लेना है, गोश्त को पहले उबालेंगे नहीं तो गोश्त कच्चा रहेगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। चलो मैं गोश्त को इसमें डाल देता हूँ, तो इसमें डाल देना है, पूरा ऐड कर देना है। डालने के बाद और इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया, ज़्यादा नहीं डालना है। पानी डालने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद इसको 2 सीटियाँ आने तक उबालना है इसको। अब ये मैंने बड़ा सा पतीली रख लिया है मसाला तैयार करने के लिए। इसमें सबसे पहले मैं ऑयल ऐड कर देता हूँ, 150 ग्राम के आसपास तेल ऐड कर देना है। तेल ऐड कर देने के बाद इसमें इसका तड़का मार देना है तेजपत्ते का, फिर इसमें कड़ी पत्ता डाल देना है, अब ये तड़का मार देना है थोड़ा, जब ये कांदा लाल हो जाएगा फिर इसमें बाकी का आइटम इसमें ऐड कर देना है। अब ये 2 मिनट के बाद, 2 मिनट को थोड़ा हल्का सा गर्म करना है, उसके बाद फिर ये डाल देना है, जितना मसाला सब इसमें ऐड कर देना है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया पूरा मसाला, अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। इसके साथ में जब ये थोड़ा कांदा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद फिर ये मसाला पीस के रखे वो ऐड करना है। चलो अब ये मैंने जो मसाला पीसा था अब इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि कांदा ब्राउन हो गया है, इसको तुरंत ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें
1 टेबल स्पून नमक डाल देना है इसमें। नमक डालने के बाद फिर से इसको मिलाना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से। फिर इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हल्के लो फ्लेम पे इसको रख दे पकने के लिए। मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर काट लिए इसको। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ढक्कन खोलते हैं, इसमें इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। अगर ये पानी सूख रहा होगा मसाले में थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि मसाला थोड़ा देर तक कपके और अच्छे से हो जाए। और अब ये जो ये कटा हुआ था, काट के रखा था पहले से मैंने, अब इसको इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि ये भी सब मसाले के साथ में हो जाएगा। तो पूरे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको मैंने ओपन कर लिया है गोश्त को। ओपन करने के बाद इसमें थोड़ा सा कांदा, इतना कांदा है, एक कांदा थोड़ा इसमें ऐड कर देना है। फिर वापस इसको ये सीटी दे देना है। इसको डाल के यहाँ पे, इसको डाल के यहाँ पे बंद कर देना है। अब ये मसाला अच्छी तरह से हो गया है, पक गया है। अब इसमें मैं दही ऐड कर देता हूँ। दही ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दही इसके लिए डालते हैं, थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाता है, थोड़ा इसमें खट्टापन आ जाता है, खाने में टेस्टी होता है। और थोड़ा इसको 2 मिनट के लिए रख देना है भाप। और जब ये पूरी तरह हो गया है, इसको मैं गैस बंद कर दिया हूँ। और अब ये हो गया है, मैं देखते हैं, गोश्त पूरी तरह से हो गया है, गल गया है गोश्त। अब इसको इसमें मसाले में ऐड कर देंगे। अब इसको गोश्त को ऐड कर देते हैं मसाले में पूरा। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा मसाले के साथ में। ये मसाले में मिक्स हो गया है पूरी तरह से गोश्त। इसको पकाना है 5 मिनट। तो गाइस अब हम इसको खोल के देख लेते हैं, ये हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अब ये पूरी तरह से गोश्त हो गया है। अब इसमें चावल को ऐड कर लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है सालन के अंदर, जो मसाला बना था इसके अंदर पूरा अच्छी तरह चावल मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। इसमें इतना पानी डालना है कि चावल से सिर्फ 2 उंगल सब ऊपर रहे पानी। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको लो फ्लेम पर इसको पकने देना है 10 से 15 मिनट तक। तो गाइस अब ये पूरी तरह से पक के तैयार है। तो मैंने खोल दिया, अब आप इसको देख सकते हैं, ये पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी होएगा। तो मैं प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेता हूँ, निकाल के पूरी तरह से फ्रिज में दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये फ्रेंच विथ मटन अखनी पुलाव रेडी है। अब आप इसको देख सकते हैं कितना प्यारा बना है, कितना टेस्टी बना है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे आने वाले लेटेस्ट और ज़बरदस्त वीडियो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।